अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्विटर पर बदला अपना नाम। जयपुर पेपर लीक मामले में ईडी की छापेमारी जारी। अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता के भूकंप से लगे झटके। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए जारी की लेवल 2 की एडवाइजरी। जयपुर में आज कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक। अब खबरें विस्तार से। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर खुद को सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया है। पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट लगा लिया है। कल अखिलेश यादव ने पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कह दिया था। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता का नौकर होना मेरे लिए गर्व की बात है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जयपुर पेपर लीक मामले को लेकर राज्य में ईडी की रेड चल रही है। रेड डोंगरपुर केस सागवाड़ा इलाके की पुनर्वास कॉलोनी में चल रही है। रेड कांग्रेसी नेता के रिश्तेदार अशोक जैन के यहां चल रही है पेपर लीक मामले में। जैन के कनेक्शन को लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी कि अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया है। सप्ताह देश में आया ये दूसरा भूकंप है। एनसीएस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6:40 पर 50 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए लेवल 2 की एडवाइजरी जारी की है और अपने नागरिकों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। एडवाइजरी में अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि अपराध, आतंकवाद और आगामी आम चुनाव के कारण बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है। जयपुर में आज कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। गैर विवादित करीब 70 सीटों पर पैनल बनेंगे। अरकमान को टिकट चयन के सारे अधिकार सौंपे जाएंगे। 14 अक्टूबर को पैनल पर स्क्रीनिंग में मंथन होगा। संभवतः 17 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली सूची सामने आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।